देखिए, काफ़ी सारे लोगों का ऐसा है, आधार कार्ड में आपका एड्रेस या नाम, आपका फादर नेम या हस्बैंड नेम सही नहीं है, गलत आया है, तो उसको हम कैसे ठीक करें। तो इसमें ठीक करने के लिए देखिए, बहुत सारे लोगों को ऐसा पता नहीं होता है आधार सेंटर कहाँ में है, कहाँ जाइए, कैसा बनाइए, वो टेंशन में होता है। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, आप ये आधार कार्ड अपना मोबाइल से कर सकते हैं घर में बैठे। सिर्फ आपका पास एक डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, जो डॉक्यूमेंट से आप बनाना चाहती है, जो डॉक्यूमेंट्स आपको सही होना चाहिए, जिस डॉक्यूमेंट से आपका नाम या एड्रेस, हस्बैंड नेम, फादर नेम ठीक है, तो उसका थ्रू आप घर में बैठ के आप कर सकते हैं मोबाइल से आधार एडिट। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक मेरी रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल को आप नए देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में एक बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए। देखिए, हमने बहुत मेहनत करके आपके लिए एक वीडियो हम बनाते हैं, तो चलिए वीडियो दिखाते हैं आपको कैसे आधार एडिट करते हैं। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। तो देखिए, मैंने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लिया। आप कोई भी ब्राउजर से कर सकते हो, अगर आप मोबाइल से कर रहे हो तो उसको डेस्कटॉप पोर्ट पे कर लेना। फिर जो सर्च बार है, सर्च बार में जाके आपको टाइप करना है www.uidai.gov.in, जो आधार कार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो देखिए, मैं आधार कार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट को टाइप करके सर्च कर दिया, तो सर्च करने के बाद ऐसे एक इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा। यही आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है। फिर हम लोग जाएंगे माय आधार ऑप्शन पर। तो देखिए, माय आधार ऑप्शन पर आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, अपडेट योर एड्रेस ऑनलाइन, तो इसी में ही क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद आपको ऐसे एक इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो आप देख सकते हैं, यही इंटरफेस है। तो इसमें आपको दो ऑप्शन नज़र आ रहा है, एक है प्रोसीड टू अपडेट एड्रेस और है रिक्वेस्ट फॉर एड्रेस वैलिडेशन लेटर। लेकिन हम लोग जाएंगे प्रोसीड टू अपडेट एड्रेस। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको ऐसे इंटरफेस नज़र आते हैं। फिर आपको क्या करना होगा, आपका आधार नंबर से या वर्चुअल आईडी से आपको इधर लॉगिन करना होगा। तो देखिए, मैं आधार नंबर इधर टाइप कर रहा हूँ, आधार नंबर से मैं लॉगिन करूँगा। तो टाइप हो गया। फिर जो कैप्सा है, कैप्सा को आपको ध्यान से टाइप करना है। अगर समझ में ना आए तो रिफ्रेश बटन है, उसमें क्लिक करके आपको दूसरा कैप्सा लाना है। फिर इसको टाइप करके सेंड OTP में क्लिक करना है। तो जब आप सेंड OTP में क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उसमें एक OTP जाएगा। उस OTP को इधर आपको पुट करना है, इंटर OTP जिधर लिखा हुआ है इधर आपको पुट करना है। तो देखिए, मेरा मोबाइल नंबर पे ऑलरेडी OTP आ चुका है, तो मैं पुट करके लॉगिन कर दूंगा। तो देखिए, मैंने पुट कर दिया, फिर लॉगिन पे क्लिक कर दिया। तो देखिए, क्लिक करने के बाद आपको ऐसे की इंटरफेस शो होगा। तो आप इधर देख सकते हैं, दो ऑप्शन है, अपडेट एड्रेस बाय एड्रेस प्रूफ और एक है अपडेट एड्रेस बाया सीक्रेट कोड। तो हम लोग जाएंगे अपडेट एड्रेस बाया एड्रेस प्रूफ। तो इसमें क्लिक करने के बाद आपको ऐसे कि इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो आप इधर देख सकते हो, आपका जो आधार कार्ड का जो प्रेजेंट एड्रेस है वो शो हो जाता है। आप देख सकते हो, जो मेरा प्रेजेंट एड्रेस है यही एड्रेस है, वो शो हो गया। तो अगर आपको इस एड्रेस को चेंज करना है या कुछ करेक्शन करना है, तो आपको जो करेक्ट वाला इन्फॉर्मेशन है तो इसमें आपको पुट करना होगा। तो वन बाय वन कैसे पुट करना है तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, इधर एक ऑप्शन है, अलाउ UIDAI टू डू लोकल लैंग्वेज ट्रांसलेशन ऑफ योर एड्रेस। तो इसमें अगर आप टिक करेंगे तो आपका लोकल लैंग्वेज ए ऑटोमेटिक से UIDAI ने ट्रांसलेट कर देगा। लेकिन आप टिक नहीं करेंगे तो आप खुद उसमें करेक्शन कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें QR off में आपका जो फादर नेम है उस फादर नेम को दीजिए। तो देखिए, अगर फादर नेम में आपका प्रेजेंट जो कार्ड है उसमें कुछ गलत है, तो आप सही वाला इसमें पुट कर दीजिए, जो डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से होना चाहिए। तो देखिए, लोकल लैंग्वेज आ गया। अगर लोकल लैंग्वेज में कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप उसमें जाके करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन आपको लोकल लैंग्वेज का कीवर्ड चाहिए। फिर आप हाउस नंबर एंड स्ट्रीट को पुट कर दीजिए। तो पुट करने के बाद आप एरिया, लोकल एरिया या लैंडमार्क को आप खाली रखिए। खाली रखने के बाद आप पिन कोड को टाइप कर दीजिए। तो टाइप करने के बाद आप देख सकते हैं, जो विलेज, टाउन या सिटी वो ऑटोमेटिक से अपडेट हो जाएगा। फिर आपको इधर से ढूंढना है किधर आपका विलेज है या कौन सा सिटी है। अगर इसमें शो होता है तो आप पुट कर दीजिए, और नहीं होता है तो आपका जो भी पोस्ट ऑफिस होगा या पुलिस स्टेशन होगा उसमें आपको मिल जाएगा, तो उसको आपको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके पुट करना है। तो देखिए, मैं इसमें से मेरा जो पोस्ट ऑफिस है वो इधर मिल गया, तो मैं इसी को ही सिलेक्ट करने वाला हूँ। तो देखिए, मैंने सिलेक्ट कर दिया। तो सिलेक्ट करने के बाद फिर मैं जाऊँगा ऊपर, ऊपर जाकर लैंडमार्क हो या लोकल एरिया में मेरा जो विलेज का नेम है वो मैं मैन्युअली टाइप कर दूंगा। तो देखिए, लोकेलिटी है या सेक्टर या एरिया, इस पोर्शन में हो या लैंडमार्क में, आपका जो विलेज है, विलेज का नेम आपको मैन्युअली पुट करना है, अगर नहीं मिलता है तो विलेज की जगह पे। तो देखिए, हो गया। होने के बाद जो आपका पोस्ट ऑफिस है ऑटोमेटिक ले लेगा, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट और स्टेट ऑटोमेटिक से ले लेगा। फिर आपको एक बार देखना है अच्छी तरह से, कुछ गलती
हुआ है या नहीं। तो देखिए मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि एड्रेस पुट करने का सही तरीका क्या होता है। अगर सही तरीके से आप एड्रेस पुट करेंगे तभी आपका एप्लीकेशन जाके एक्सेप्ट होगा, रिजेक्ट कभी भी नहीं होगा। तो देखिए जो भी आप एड्रेस पुट करेंगे ऑनलाइन में वो सेम टू सेम जो आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे उसके सेम टू सेम होना चाहिए। अगर सेम टू सेम होगा तभी जाके आपका एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो फिर मैं बताऊँगा आपको कौन सा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। तो देखिए ये सब कुछ चेक करके आपको प्रीव्यू में क्लिक करना है। तो जब आप प्रीव्यू में क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आप जो भी एड्रेस पुट किए हैं उसका प्रीव्यू आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं तो इसमें इस टाइप से प्रीव्यू आएगा। तो आने के बाद अगर इसमें कुछ भी गलत होता है तो आप फिर से एडिट ऑप्शन में जाके एडिट कर सकते हैं। और अगर एडिट नहीं करना है तो आई हियर बाय कॉन्फर्म में आप टिक कीजिए, टिक करके सबमिट कर दीजिए। तो जब सबमिट करेंगे आपको इस टाइप से एक इंटरफेस नज़र आएगा। तो अभी क्या करना होगा, आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा। तो देखिए आपको इस टाइप का ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है जो डॉक्यूमेंट्स पे आपका नाम हो, आपका फादर का नाम हो और फुल एड्रेस हो, उसी टाइप का डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है, तभी जाके आपका जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट होगा, नहीं तो कभी भी एक्सेप्ट नहीं होगा। तो देखिए मैं एक मतलब रैंडम सा एक डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन आप जब करेंगे आप उसी टाइप से करेंगे, आपका नेम, आपका फादर नेम और फुल एड्रेस, फिर आप अपलोड करके सबमिट कर देंगे। तो जब आप सबमिट करेंगे तो आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा और आपको एक URN नंबर मिलेगा। इस नंबर से आप ट्रैक करके देख पाएंगे कि आपका एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है। तो जब भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे कोई भी चेंज के लिए, एड्रेस हो, फादर नेम हो या आपका एड्रेस चेंज करना हो, तो दो ही बात आप ध्यान में रखिएगा। एक तो आपका जो भी एड्रेस होगा वो सेम टू सेम डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से होना चाहिए, और जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे उसमें आपका नेम, फादर नेम और फुल एड्रेस होना चाहिए। यही सही ट्रिक्स होता है और सही तरीका होता है ऑनलाइन करेक्शन करने का। तो अगर आपको इस वीडियो रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कीजिए, मैं कॉमेंट का रिप्लाई दे दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही था, तो वीडियो को क्लोज करते हैं। थैंक यू।